कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने मंगलवार से आमरण अनशन शुरू करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर हमला किया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर करोड़ों हिंदुओं से वादा खिलाफी और यूटर्न लेने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनका मोदी से कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, पर अगर वे नहीं चाहते हैं तो मोदी मुख्यमंत्री अथवा प्रधानमंत्री बन पाते। बेहद कड़े और तख्त देवर वाले भाषण के दौरान अयोध्या आंदोलन की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार हिंदुओं की लाशों पर सत्ता में आई है। प्रवीण तोगड़िया ने अहमदाबाद के पार्टी स्थित डॉक्टर वणिकर भवन में राम मंदिर के लिए कानून और रक्षा कानून समेत अन्य मुद्दों को लेकर साधु संतों के साथ अनशन की शुरुआत की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि वे उन मांगों पर अड़े हैं जिनका वादा कर बीजेपी सत्ता तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि वे सिर कटा सकते हैं पर हिंदुओं से गद्दारी नहीं कर सकते। मोदी सरकार ने अब तक एक भी वादा पूरा नहीं किया, बल्कि करोड़ों हिंदुओं और हिंदू भाषण को छोटे छोटे चंदे देने वाले करोड़ों व्यापारियों से वादा खिलाफ किया। पहले वो रक्षकों को भाई बताने वाले मोदी को गुंडे लगते हैं। SBI News।